इस पार्ट में ना हम साशी भाई के ब्रीडिंग पेयर्स और थोड़े यंगस्टर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सब यंगस्टर्स हैं, अभी आए हुए, नेक्स्ट टाइम रेस करेंगे और उसमें जीते हुए बर्ड भी बहुत सारे हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। ये कौन से है भैया, ये बर्ड्स कौन से? ये पूरे यंगस्टर है। यंगस्टर है क्या? जीते हुए बर्ड भी है। जीते हुए बर्ड भी है। हाँ। और यंगस्टर्स भी है। हाँ, दोनों है, यंगस्टर भी है, दोनों बर्ड इसमें मिक्स है। अच्छा। हाँ। ओपन ब्रीडिंग के लिए ऐसा रख दिया क्या आपने? हाँ, ये जो है ना। हाँ। तो पेयरिंग के लिए ऐसा छोड़ दिया था। अच्छा। जिनको जो फीमेल लेने का तो उन्होंने लिया, और ये ऐसे ही ओपन ब्रीडिंग के लिए ऐसा ही छोड़ दिया आपने? ऐसा छोड़ दिया, उनके भी बच्चे निकले हैं। अच्छा। ऐसे ही पैर रोके कुछ रिजल्ट आया क्या भैया? हाँ, मेरे को तो आ गया इधर। अच्छा। लेकिन दूसरे लाइन का होएगा तो रिजल्ट आता है, लेकिन सेम लाइन आए तो वो जरा थोड़ा इनब्रीड होता है। हाँ, इनब्रीड होता है, थोड़ा पावर भी लॉस होता है ना। हाँ, पावर भी लॉस। आप इनब्रीड करते नहीं हो भैया? मैं करता हूँ इनब्रीड कभी कभी, के लिए रखने का रहेगा। अच्छा, तो अच्छा। इनब्रीड करते हैं वो, फिर दूसरा। अच्छा, लाइन के लिए ऐसे ही संभाल के रखना होता करते? हाँ, तो दूसरा लाइन लाके फिर उनको मिक्स करके फिर उनके बच्चे देते हैं रिजल्ट। अच्छा अच्छा। इधर भी पूरे यंगस्टर है। हाँ, ये इसी में आए हुए बच्चे क्या सब? हाँ, ये मेरे दोस्त है, वो मेजर साहब बोला ना। हाँ हाँ। तो उन्होंने 20 या कुछ ऐसे बर्ड छोटे बच्चे मेरे को गिफ्ट किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हर साल मेरे को 20-25 भी बर्ड। अच्छा अच्छा। मेरे को गिफ्ट करते हैं। जी जी। आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है क्या? बॉन्ड बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा फ्रेंडशिप है। अच्छा, आपको उनसे कैसा ये हुआ, फ्रेंडशिप कैसे हुई आपकी? वो उन्होंने जब लाया था ना। हाँ। कलकत्ता से लाइन। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है। ओके। तो मेरे को बोला था, उनके पास भी अच्छा लाइन है, तो लेके आए थे उनको, तो फ्रेंडशिप हो गया हमारा। अच्छा, ऐसे बात में फ्रेंडशिप हो गया। तो इतना फ्रेंडशिप हो गया, तो अभी ये पूरा लॉप्ट भी वो बोलेंगे ना, तो ये पूरा लॉप्ट मेरे को चाहिए, लॉफ्ट उधर जाके शिफ्ट करेंगे। सुपर सुपर। और वो भी उधर से मेरे को इधर लाके देते हैं सब पूरा। अच्छा, तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है आप लोगों का। अच्छा है। और ज़्यादातर उनका मैं जरा थोड़ा बात सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि अच्छे है वो, बोले तो उस्ताद जो रहते ना। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से उस्ताद जैसे ही क्या? हाँ, आपको उस्ताद जैसे ही हो गया? मेरे उस्ताद जैसे हो, मेजर साहब। जी जी, सुपर सुपर। बहुत अच्छा रिलेशन है और नॉलेज भी अच्छा है। जी जी जी। उनको क्या, दोनों ये लाइन का भी, रेसिंग के बर्ड का भी उनको अच्छा नॉलेज है, नॉलेज है। और वो उड़ान वाला शौक तो उनको पहले से। अच्छा, तो अच्छा। उड़ान वाले भी बहुत अच्छे अच्छे लाइन के बर्ड उनके पास है। अच्छा, उनका नाम क्या है? मैं उनको बापू मेजर बोलता हूँ। अच्छा। वैसे उनका नाम बापू पानगिरे। बापू पानगिरे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो आर्मी में। जी जी जी। हम तो देश की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं तो पहले से उनको, आर्मी को तो कौन ना ऐसा। हाँ, 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 वो तो हम सब रिस्पेक्ट करना चाहिए उन लोगों पे जाके लड़ते। हाँ, हाँ। तो हमको उनके लिए मेजर सुधे दिल में एक रिस्पेक्ट आती है उन लोगों के लिए। और बहुत अच्छे अच्छे, बोले तो भाई जैसे मेरे। सुपर सुपर। और ये जो बर्ड है, अभी ये अभी फंक्शन हो गया था हमारा ये साल का। अच्छा, जैक जैक है क्या? अभी फंक्शन हुआ था, ये साल चैंपियन हो गए ना। हाँ। तो हमारे क्लब के सलीम भाई। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया था। अच्छा अच्छा। जैक है क्या? हाँ, ये बांग्लादेश का बर्ड है। अच्छा, बांग्लादेश लाइन है क्या? हाँ, तो इम्पोर्टेड बर्ड था, तो सलीम भाई ने मेरे को गिफ्ट किया है। अच्छा अच्छा बर्ड है, बहुत अच्छा बर्ड। स्टॉक के लिए लाया है मैंने, स्टॉक बर्ड रखने के लिए। हाँ, तो अच्छा, इसका ऐसे ही देखेंगे।
ये प्लेसमेंट बर्ड है क्या भैया? ये भी प्लेसमेंट बर्ड है। अच्छा, 420 को फर्स्ट प्लेसमेंट है। 420 किलोमीटर फर्स्ट प्लेसमेंट, फर्स्ट प्लेसमेंट। और 550 को 10th प्लेसमेंट। हाँ, अच्छा। ये बर्ड मेरे को वो चेन्नई के जो सत्या नाम बोला ना, हाँ हाँ, सत्या भाई, हाँ सत्या भाई का लाइन का बर्ड है, लाइन का बर्ड है। हाँ। अच्छा, आपने उनका पैर ब्रीड करके ये बच्चा निकाला है क्या? हाँ, ये ब्रीड करके ये लिया। अभी ये भी अगले साल जाएगा। अच्छा, और लॉन्ग जाएगा। हाँ, हाँ। अभी ये साल यंग था, इसके लिए स्टॉक किया था। और थोड़ा वाइट पर जरा थोड़ा इसका पर खराब हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। रेस के वक्त में खराब हो गया था क्या? हाँ, इसके लिए उसको स्टॉक किया था। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट साल करेगा, नेक्स्ट साल अभी जाएंगे। अच्छा, अच्छा है इसका भी आई साइन भी अच्छा है इसका। ये बर्ड कौन सा है भैया? ये एवरी लाइन का बर्ड है। एवरी लाइन, एवरी लाइन। वो कहाँ की लाइन है? वो बाहर का इंपोर्ट लाइन है, लेकिन मैं ये चेन्नई से लिया था। अच्छा, चेन्नई में विक्की देवराज के हाँ, हाँ। विक्की, हाँ। विक्की विक्नेश, विक्की भाई, हाँ, विक्की विक्नेश। तो उनके पास से मैं एक मेल लिया था। अच्छा, तो उसको मैंने ब्रीड किया मेरे इधर। अच्छा, एवरी लाइन का आपको, आपने विक्की भाई से लिया था बर्ड? हाँ, तो ओके, उसको मैंने एक दूसरा लाइन क्रॉस करके ये निकाला। अच्छा, उसके बाद नहीं खेलेगा क्या? नहीं, ये वैसे तो एवरिल का लाइन शॉर्ट में अच्छा रहता है। अच्छा, शॉर्ट में काम करता है क्या? हाँ, शॉर्ट के लिए आपने लेके रखा है? अभी ये रखा है मैंने, देखता है अभी नेक्स्ट साल क्या करता है, लेकिन अच्छा फिर मेरे। अच्छा, ऐसे ही देखते हैं। ये बर्ड्स कौन से भैया? ये चिक्स है ना? ये छोटे चिक्स है। अच्छा, वो जो अभी 1000 आया ना, हाँ हाँ हाँ, तो वही मेल के बच्चे दोनों बच्चे है क्या? अच्छा, तो अच्छा, ये अभी उनको तो आगे रेस के लिए छोड़ने का है। हाँ हाँ, तो अभी स्टॉक के लिए दोनों दो चिक्स निकाल। अच्छा अच्छा, रेस के एक ही दम तो आपने निकाल लिया और हाँ, आपने स्टॉक बर्ड रख दिया फिर से ना? हाँ, अभी वो ये अभी स्टॉक होएंगे दोनों बच्चे। अच्छा, वो इसका बाप फिर रेस करेंगे क्या? फिर रेस करेंगे। अच्छा, ऐसा होता है क्या भैया, बच्चे निकालने के बाद फिर रेस कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, रेस ऐसा कुछ नहीं कि वो बच्चे निकालने के बाद रेसिंग में नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और बाहर में, बाहर देश में क्या करते हैं, आउट कंट्री में वो पूरा वो पेयरिंग वाले छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हाँ, वो रेस में उड़ाते हैं, रेस में उड़ाते हैं। हाँ, अच्छा, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है ना उन लोगों की। हाँ, तो के बच्चे हैं, बच्चों को खाना खिलाना होगा। हाँ, तो जल्दी आ जाएंगे वापस कर। हाँ, तो ये निकाला अभी दो चिक्स अभी। अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, सेम उनके पिताजी जैसे हो। हाँ हाँ हाँ। फीमेल कौन सी डाल लेते भैया? फीमेल तो इधर ही है, ये वो? ये फीमेल वो मेल को डाली थी। अच्छा, वो बच्चों की माँ है। हाँ, अच्छा, ये डाली थी ये। अच्छा, विंग पैटर्न दिखाइए भैया। अच्छा, ये भी रेस की हुई क्या आपके पास? ये इसको छोड़ा था। अच्छा, 550 में छोड़ा था। अच्छा, रेट रिटर्न आ गई। अच्छा अच्छा, रिटर्न तो ही। हाँ, तो वही वो मेल को डाला, वो उनके लाइन से थोड़ा। अच्छा, ज़्यादातर वो मेल के लाइन से थोड़ा सा लाइन इसमें क्रॉस है क्या, दूसरा क्रॉस है। अच्छा, इसके लिए डाला था। अच्छा, उसका आई साइन दिखेंगे। हाँ, तो आई साइन भी बहुत अच्छा है इसका। ये साशी भाई का ब्रीडिंग सेटअप है, सिंपल है, अच्छा है, बहुत अंदर रखा हुआ है कि बच्चे ब्रीडिंग अच्छे से कर सके।
आइए ये सब बर्ड्स निकाल के देखते हैं, इम्पोर्टेंट बर्ड्स होते हैं। ये आपका ब्रीडिंग पेयर है क्या भैया? ये ब्रीडिंग पे था फीमेल। अच्छा, और ये मेल 2 साल मेरे इधर प्लेसमेंट बर्ड, ये पहले साल छोड़ा, नेक्स्ट डे आया था 700 पर। अच्छा, और उसके अगले साल वो वन डे रिटर्न आया। अच्छा, फर्स्ट डे रिटर्न 700 में। हाँ, वन डे रिटर्न। और अभी ये एक 2 रेस या 3 रेस कुछ तो खेला ये। अच्छा, डर्बी में। अच्छा, दिखने में तो एकदम इंपोर्टेंट दिख रही है। ये प्योर कलकत्ता लाइन बर्ड। अच्छा, ये इसका स्पेयर किया, अभी इनके बच्चे उड़ाएगा फिर। इसके तो ऑलरेडी इसके बच्चे कोई भी मेल पेयर करो जीतते ही चाहिए। 100% क्या? 100% जीतते इसके बच्चे। अच्छा अच्छा, तो अभी ये जीता है तो ये चलाइन का मेल अभी उसको लगा। अभी दो छोटे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी इधर दो छोटे बच्चे और दो बड़े हो गए। अच्छा, उनका आइसेंस देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये पेयर कौन सा है भैया? ये मेल है, मेरा घर का छे। अच्छा, ये 700 किलोमीटर को यंग बर्ड सेकंड प्लेस में। सेकंड प्लेस, सुपर सुपर, वन डे रिटर्न आया था। अच्छा, और ये तो घर का ब्रीड है मेरा। अच्छा, कलकत्ता लाइन का ब्रीड है। अच्छा, उसी में क्रॉस है क्या? इसका फादर जो है वो 800 किलोमीटर वन डे रिटर्न आया इन ऑन द डे रिटर्न। हाँ, ऑन द डे। अच्छा, ये जो फोटो में जो दिख रहा है ना। हाँ हाँ, फोटो में जो है ये बर्ड इसी का बेटी है। उसका बेटी है क्या? हाँ, तो ये दोनों का इंच पेयर करके अभी। अच्छा, इनके दो बच्चे निकल रहे होंगे। अच्छा, छोटे छोटे दो बच्चे हैं इसके। हाँ, बहुत खूबसूरत है। तो ये अच्छा है, ये मेल जरा साइज में थोड़ा बड़ा है। अच्छा, और इसीलिए तो छोटी फीमेल, अभी छोटी फीमेल उसको क्रॉस किया। हाँ, अभी अच्छा, देखते हैं वो उनके बच्चे क्या रिजल्ट तो देंगे। हाँ, कंपल्सरी देंगे, श्योरली देंगे, क्योंकि दोनों भी विनिंग लाइन है। हाँ, तो अभी देखता हूँ। ओके ओके, इसका आइसेंस देखते हैं। ये कौन सा लेन में गाय भैया? ये मेरा 800 किलोमीटर वन डे रिटर्न हो गया था। अच्छा, कौन सा मेल क्या? ये इसका मामा। अच्छा, हाँ, यो जो फोटो में हो। हाँ, जो फोटो में था। हाँ, तो उसी लाइन में गाय क्या? उसी लाइन में, उसी के बहन का बेटा। अच्छा, और ये तो मेरा जो अभी ब्लू दिखाया था ना। हाँ हाँ हाँ, ओवरसीज था ना, वही था ना, वन डे रिटर्न जो आया। हाँ हाँ हाँ, तो उसकी बहन है। उसकी बहन है क्या? हाँ, अच्छा, तो सुपर। ये मेरा वही 800 किलोमीटर जो आया वो लाइन पूरा विनर लाइन क्रॉस किया अभी। अच्छा अच्छा, विनर लाइन टू विनर लाइन ऐसे क्रॉस किया है क्या? ऐसे ऐसे क्रॉस करने से बच्चा रिजल्ट देता है क्या भैया? हाँ, विनर लाइन लाइन तो अलग रहता है दूसरा। हाँ हाँ, और
देता है, मेरे को तो दिया। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी इनके भी, ये भी घर के स्टॉक करके रखे थे मैंने दोनों। अच्छा, अभी इनको आगे में रेस में उड़ाएंगे। इनको भी रेस में उड़ाएंगे क्या? हाँ, अगले साल वो रेस में उड़ेंगे। अच्छा अच्छा, वो कलकत्ता वाला जो लाइन आप बोल रहे हैं ना? हाँ। वो इसी बर्ड का आएगा पूरा? ये भी मेल है। अच्छा, और एक उधर है मेल। अरे कौन सा, नीचे वहाँ खड़ा है ना वो क्या? वो मेल। अच्छा, वो उसका भी पूरा लाइन है। अच्छा, ये इन दोनों का लाइन ही चल रहा है आपके पास? ये एक दो, और ये जो दिख रहा है ना पीछे, चेक कर, ये भी ये भी कलकत्ता लाइन में क्या? कलकत्ता लाइन क्या? हाँ, ये भी कलकत्ता लाइन, लेकिन देखने के लिए तो वो इम्पोर्टेड बर्ड रख रहे हैं। लेकिन वो पुराना जो कलकत्ता लाइन है वही पुराना लाइन। अच्छा, ये भी लाइन, ये भी इसको भी फ्री लें। अच्छा, ये होने से क्या होता है कबूतर को? ये अच्छा, जो फ्रेल वाले बर्ड अच्छे रहते हैं। अच्छे रहते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? और ये ज्यादातर वो कलकत्ता लाइन को आता है। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा बर्ड है, ये पूरा एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है। अच्छा, अभी सुपर लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं ना, अभी मोल्टिंग पे है। अच्छा अच्छा, स्काई सेन देखते हैं। ये कलकत्ता लाइन है, मेन कबूतर है क्या भैया? हाँ। अच्छा, इसका स्काई स्क्रीन देखते हैं। थाउजेंड तक उड़े। ये कौन सी है भैया, मेल है फीमेल? ये फीमेल है। अच्छा, पुराना लाइन है। अच्छा, घर का ब्रीड है मेरे। Okay. ये इसका बेटा 800 किलोमीटर को वन डे रिटर्न आया था। अच्छा, वो जो फोटो में है ना? हाँ, वही उसका बेटा है क्या? हाँ, फर्स्ट प्लेस में आया था इसका बेटा। अच्छा, उसका बाप क्या हुआ? वो मर गया मेरे पास। मर गया क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, ये माँ है इसकी। अच्छा अच्छा, इसको ब्रीड नहीं किया आपने? वो अभी थोड़ा ये एज ज्यादा हो गया इसका। अच्छा अच्छा, अभी अंडे देना बंद कर दिया? अंडे देना बंद की 2015 में, 15 की। अच्छा, लेकिन अभी अच्छा कुछ तो प्रॉब्लम होगा उसके अंदर। मेडिसिन ले जाए तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अभी देखते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा भी मेरे मेरा घर का लाइन है पूरा। ओके, स्काई सेन देखते हैं। ये वाला पेंट कौन सा है भैया? ये मेल जानार्डन है। जानार्डन लेने? हाँ, प्योर जानार्डन लेने क्या? हाँ, ये चेन्नई से विक्की के पास से लिया था। अच्छा, और ये जो है ये भी उनके पास से लिया था। ओके, तो पेज पे लिया था क्या? ऐसा सिंगल लिया था। सिंगल लिया तो ये कुछ तो बुलवाड़ा लाइन बोला था। अच्छा, और ये जानार्डन। अच्छा, इनका बच्चा मेरे पास आ गया 700 जीता बच्चा। अच्छा, रिटर्न हुआ क्या? हाँ, वन डे रिटर्न प्लेसमेंट आया था एक बच्चा। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए ये रिसर्च पेयर। एक्चुअली आप इंपोर्ट लाइन उतना पसंद नहीं करते क्या? नहीं, वैसे तो मैं नहीं इतना इंपोर्ट लाइन, जो अपना इधर इंडियन लाइन जो है वही लाइन में इधर ज्यादातर। हाँ हाँ, अच्छा होता है क्योंकि इंपोर्ट भी लाया था, लेकिन अपने क्लाइमेट में मेरे को नहीं होता इतना ये किया। हाँ, मेरा जो अपना इधर का जो खुद का लाइन है। हाँ,
वो लाइन जितना रिजल्ट दिया उतना इंपोर्ट लाइन नहीं दिया मेरे हिसाब से अभी लोगों का हिसाब जो हाँ जिसका हिसाब हाँ मेरे इधर तो मेरा अपना इधर का कलकत्ता लाइन और इंडियन लाइन जिसकी जैसी मर्जी जिसका हाँ, चाहे वो करने दे मेरे को जो अच्छा लगता है वो इसमें मेरे हाँ, हाँ, लॉक कर हाँ, थोड़े बहुत है इधर इंपोर्ट लाइन के बल अच्छा। लेकिन जो रिजल्ट दिया वही बोल रखे बाकी नहीं रखे अच्छा बाकी अपना पूरा इंडियन लाइन अच्छा सुपर स्काई से नहीं देखते देने वाली बहुत कबूतर तो बहुत अच्छे हैं भैया पूरे इंडियन लाइन के ये हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा क्रॉस किया है आपने हाँ आपका ये मोटो बहुत अच्छा है कि इंडियन लाइन को ही थोड़ा क्रॉस करके आगे बढ़ाएंगे ऐसे ही करके भैया अब जो नए शौकीन शौक कर रहे हैं ना उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि कबूतर एक अच्छा कबूतर है उसको सेलेक्ट कैसे करना है क्या उसका वो विंग्स पैटर्न अच्छा सही और बॉडी शेप कैसा होना अच्छा ज़्यादातर बड़े साइज वाला बर्ड तो नहीं रखने का मैं तो नहीं रखता अच्छा जितना छोटा साइज रहेगा जी जी उतना बर्ड अच्छा रहेगा अच्छा मुझे मेरे हिसाब से हाँ हाँ मेरे को ज़्यादा बड़े साइज का बर्ड पसंद नहीं अच्छा मेरे लॉक में पूरा साइज छोटे साइज और अच्छे और बाकी कुछ नहीं अभी इधर जो जिसको आई साइन में क्या देखना चाहिए हमको कि अच्छा लग कि अच्छा कबूतर सेलेक्ट करने के लिए मैं तो अभी वैसे तो ब्रीडिंग क्वालिटी होना मानते हैं अच्छा अच्छा ब्रीडिंग क्वालिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा आप अगर पैर लगाते हैं ना तो उसमें क्या देख के इस पेयरिंग करते हैं आप आई साइन में थोड़ा कलर देख के सेम आई साइन का नहीं पेयर करता हूं अच्छा अच्छा डिफरेंट पेयर करता है अच्छा तो जिसमें वो करके जो निकलता है बच्चा वो निकलता है अच्छा तो निकलता है लेकिन सेम आई साइन का पेयरिंग नहीं करने का कभी नहीं करने का अपोजिट डालने का अपोजिट डालने अच्छा सेम करने से क्या होता है भैया नहीं मुझे तो नहीं अच्छा लगता अच्छा आपके एक्सपीरियंस है आप बोल रहे हैं अच्छा आप फीड वगैरह क्या क्या देते हो कबूतर को फीड तो मैं जो 12 महीने सेम फीड रहता है मेरा तो दिखाता हूँ मैं आपको पूरा उसमें पूरा रहता है हर एक चीज रहता है क्या हाँ पूरा जो लेकिन 12 महीने एज रहता है मेरा एज रहता है क्या हाँ। अच्छा आप बाहर से मंगवाते हैं कि आप लगा मैं इधर इस अपना दुकान में लेके ऐसा थोड़ा मिक्स करते मिक्स क्या? करके बनाता है अच्छा हाँ लेकिन आजकल तो लोग रेडीमेड फूड का बहुत ये हो रहा है हाँ हो रहा है रेडीमेड में भी क्या आता है यही चाहते हैं हाँ हाँ और थोड़ा कुछ उनका जो लिस्ट रहता है उसमें कुछ तो फर्क रहेगा हाँ, लेकिन हाँ। मेरा भी एक लिस्ट है तो वो लिस्ट जो रहता है उसमें में मिला के अच्छा अच्छा पूरा देता हूँ और रेस्ट के टाइम को थोड़ा बहुत इम्पोर्टेड फूड जो रहता है हाँ, मैं मंगाता हूँ इनमें मिक्स करने के लिए अच्छा अच्छा तो वो रेस्ट के पहले एक दो महीना फीडिंग चालू करता हूँ उनका अच्छा बाकी तो अपना रेगुलर जो रहता है वही देता हूँ वही देते बाकी कुछ अलग तो कुछ नहीं करता अच्छा ज़्यादा मेडिसिन भी मैं यूज नहीं करता हाँ बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा है जितना नेचुरली बर्ड उड़ेगा तो कभी भी अच्छा हाँ बहुत बहुत सही बात बोला आपने कुछ तो इम्पोर्टेड भी सप्लीमेंट है हाँ थोड़े
थोड़े बहुत यूज करता हूँ। अच्छा, लेकिन जो मन पाए वही, बाकी तो नहीं यूज करते। वैसे तो फिर नेचुरली अपना जो होता है, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन दे के वो फिर कबूतर अंदर से खोखला हो जाता है ना, तो पहलवान भी कैसा रहता है। हाँ, तो अपना देसी खाके बनता है, वैसे भी मड़का भी। हाँ, तुम जितना नेचुरली तुम जो मांगते हो उतना खाने दो, तो अपना रिजल्ट तो रेस में खुद दिखाएंगे वो। हाँ, दिखाएंगे। बाकी कुछ नहीं, वही मेरा एक लोगों को बोलने का है कि सुपर सुपर भैया। भैया आप अगर किसी को मेरे चैनल की तरफ से थैंक्स बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। पहले तो मेरे दोस्त है मेजर साहब। जी जी जी। उनको एक थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर दिए। जी जी। और हमारे क्लब के सलीम भाई जी, और जो हमारा पीपीएमए क्लब, वो सब लोगों को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि जी वो सब एक साथ मिलके काम करते हैं। जी जी जी। इसके लिए तो उसके लिए मैं भी बहुत अच्छा क्लब में बोले तो अभी परफॉर्मेंस करने का ही है। हाँ, देता हूँ। वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट बोले तो अच्छा मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल जुल के पूरा काम करते हैं। और बाकी कुछ नहीं, बाकी तो अपने दोस्त लोग है चीज़ वो, उनका भी थोड़ा है मेरे बोले तो आशीर्वाद जो रहता है ना, वो भी हो मेरे साथ रहता है। हाँ, और सबसे अच्छा तो जो मेरा ये भरत, ये मेरा पूरा लॉक संभालता है। जी जी जी। पहले तो इसको थैंक्स अच्छा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किधर बाहर गाँव गया किधर भी, अच्छा तो पूरा मेरा लॉक ये संभालता है। अच्छा, ये रहता है तो मेरे को टेंशन नहीं है, तकलीफ नहीं रहता। अच्छा, बाकी तो है सभी लोग, सभी क्लब मेंबर और हमारे मेजर साहब, बाकी कुछ नहीं। भैया थैंक यू सो मच मेरे लिए अपना इतना टाइम आपका ये करने के लिए, अलग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत चाहता हूँ कि आपको नेक्स्ट रेस में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिले। थैंक यू सो मच भैया। ओके, अच्छा अच्छा भैया, जय हिंद जय हिंद जय महाराष्ट्र।